हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस में, तो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 13th चैप्टर, विच इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, राइट? तो बेटा अभी तक हम लिमिट्स वाला पार्ट तो कर चुके हैं कम्प्लीट, करेक्ट? और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैंने समझाए थे कि किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको, करेक्ट? तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं, जो है डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था क्लास में भी कि 12th क्लास में ये चैप्टर एज इट इज आता है, ठीक है? और इसका वेटेज भी है अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ डेरिवेटिव्स के ही बारे में, ओके? तो मैं आपको बता देता हूं कि डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव है क्या, क्यों ये कंसेप्ट यूज में होता है। अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज की, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज नोन एज द डेरिवेटिव, ठीक है? हम उसको ही बोलते हैं, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव के कंसेप्ट को यूज करके वी कैन इजिली फाइंड आउट the rate of change in any function with respect to another function, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने फिजिक्स में भी यूज किया भी होगा dy over dx, इसका मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ठीक है? तो उसको इस तरह से लिखा जाता है dy by dx। तो अगर मैं बात करूँ डेरिवेटिव की मैथमेटिक्स के टर्म में, तो बेसिकली हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिमिट्स, तो मतलब लिमिट्स जरूर इन्वॉल्व होगी। तो अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में ये बताता हूं, डेरिवेटिव इज द लिमिट ठीक है लिमिट ओके ऑफ द रेशियो ऑफ समझ आया डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट ठीक है ऑफ द इंक्रीमेंट एंड किस में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ये इंक्रीमेंट हो रहा होगा द फंक्शन, क्योंकि सब कुछ हम फंक्शन की ही बात करते हैं यहाँ पे, इन द फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट करस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट विच टेंड्स टू जीरो ठीक है देखिए अब ये अभी मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आई होगी, एक्चुअली यहां पर विच लिखना लगा मुझे स्मॉल इंक्रीमेंट विच टेंड्स टू जीरो ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? अगर हम बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सी है, डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन द फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट विच टेंड्स टू जीरो ठीक, अगर मैं बात करूं कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, तो इस फंक्शन एफ एक्स में उस फंक्शन एफ एक्स के लिए लिमिट है किसकी, टू द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन। फंक्शन की कुछ फाइनल वैल्यू होगी, कुछ उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। फंक्शन की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, द इंक्रीमेंट विच इज हैपनिंग इन द एक्स ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट। करस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब हमने सबसे पहले इनिशियल वैल्यू एक्स की कब फाइंड आउट की, जब एक्स की वैल्यू ए है, या एक्स की वैल्यू एक्स मतलब ए पे मान लीजिए ठीक है, और ए से बहुत माइनर सा हम इंक्रीज हुए, बहुत माइनर सा जो कि ऑलमोस्ट जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड आउट करते हैं इंक्रीमेंट को, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ठीक है। अगर मैं इसको उसमें टर्म में लिखूं लिमिट्स के टर्म में, तो देखिए डेरिवेटिव की बात हो रही है, एफ डैश ए लिख देता हूं मैं इसको ठीक है। ए क्यों लिखा है मैंने, ए मैंने इसलिए लिखा है, या चलिए ए भी छोड़िए, अभी मैं एफ डैश एक्स ही लिखता हूँ, या एफ डैश ए चलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि हम बात करें इंक्रीमेंट की, तो हमने जब ए है, एक्स की वैल्यू जब ए है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन, देखिए लिमिट है यहाँ पे, लिमिट होगी और स्मॉल इंक्रीमेंट मान लेते हैं, वो स्मॉल इंक्रीमेंट बेटा h है,
और जो कितना है h टेंड्स टू जीरो, तो h टेंड्स टू जीरो हो गया ठीक। और फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल में a पे हमने चेक कर रहे हैं, a से हमने कितना इंक्रीज किया है, बहुत माइनर सा, विच इज h ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कब आएगी, जब a प्लस h आप रखेंगे x की जगह पर, f a प्लस h बोल देंगे उसको करेक्ट। इसमें हम इनिशियल वैल्यू को माइनस भी तो करेंगे तभी तो हमें इंक्रीमेंट मिलेगा ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी मैं 0.1 पे खड़ा हूं और फिर नेक्स्ट में मैं 1.1 पे पहुंच गया, तो मैंने क्या किया, f 1.1 मतलब फंक्शन की वैल्यू एट 1.1 विच इज दिस माइनस द इनिशियल वैल्यू वेयर आई वॉज मीन्स एट x इज इक्वल टू a मतलब f a ठीक। तो फाइनल में इनिशियल माइनस किया अपॉन में, क्योंकि रेशियो की बात हो रही थी, अपॉन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है ठीक है। तो इंक्रीमेंट एक्चुअली क्या है, h ही तो है, क्योंकि फाइनल है a प्लस h, इनिशियल था a, a प्लस h में a माइनस करोगे तो यू विल गेट ओनली h, तो हम डायरेक्ट h भी यहाँ लिख सकते हैं ठीक है। तो बेटा ये है वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a ठीक है। a के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस होती है फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ The process of finding a derivative of the function, ठीक है, derivative of the function is called या known as differentiation बोलते हैं बेटा इसे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, फाइंडिंग द डेरिवेटिव एक्चुअली, फाइंडिंग द डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जो लिमिट है, इसमें बेसिकली हम डिफरेंशिएशन ही पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में वो और ज्यादा मतलब वाइड फॉर्म में आएगा, अभी तो बहुत सिंपल सा है, कुछ ही एक्सरसाइज भी है। 10th क्लास में इट इज कम्प्लीटली अ चैप्टर, ठीक है, पूरा एक चैप्टर है, 7th चैप्टर है आई थिंक ये, ठीक है आपके, सॉरी नेक्स्ट 12th क्लास में, नॉट इन 10th, 12th क्लास में, ठीक है, 7th चैप्टर है जिसमें 10 या 11 एक्सरसाइजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हाँ ये है कि उसका कंसेप्ट आप अभी ही सीख जाएंगे 11th में, ठीक है, ध्यान से जरूर पढ़ना है, ध्यान से जरूर वीडियोस देखनी है ओके। तो डेरिवेटिव के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा वो हम अभी सीखेंगे, बट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज द डिफरेंशिएशन ओके। तो ये हो गया बेटा डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए, ठीक है। अगर अब बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, यही फॉर्मूला इसमें लिख भी दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा पहले, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम इधर बता दे रहा हूं मैं, ये है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, किसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स, क्योंकि हम एफ डैश, डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, डैश अगर लगा दिया किसी फंक्शन पे इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, दो बार अगर लगाते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अगर अभी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अभी केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही सीखना, समझना और जानना है ठीक। तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट अ पॉइंट विच इज इन दिस केस इज एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब ए है तब हमने ये डेरिवेटिव फाइंड किया है ओके। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, तो ये है बेसिक फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7 के कुछ क्वेश्चन, कंसेप्ट क्या है मैंने बता ही दिया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये बोला गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ओके, फाइंड एफ डैश 3,
क्लियर है क्वेश्चन। एफ डैश थ्री इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू कितनी बेटा 3 है। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन जब आप यहाँ पे करेंगे, तो आप फॉर्मूला लिख देंगे एफ डैश थ्री विच इज गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला होना चाहिए, अदरवाइज ये याद रखिएगा मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे अगर आप फॉर्मूला मेंशन नहीं करते हैं। तो एफ ए की जगह बेटा 3 आ रहा है इस बार, तो 3 प्लस एच माइनस एफ थ्री होल अपॉन में एच। अब चाहो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी बता सकते हो जो हमने यूज किया है, एफ डैश ए गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, फॉर्मूला आप लिख दो यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल अपॉन में एच। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला साइड में मेंशन कर दिया है मैंने ताकि मालूम चल जाए कि ये फॉर्मूला यूज किया गया है। करेक्ट, एफ एक्स ये है, तो एफ थ्री प्लस एच का मीनिंग ये है कि जहां भी एक्स दिखता है वहां पे 3 प्लस एच आपको पुट करना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एफ थ्री प्लस एच मीन्स 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस में ये 7, ये हो गया बेटा एफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री। एक्स की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट लगा लो प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस हो गया 7 होल अकाउंट में बच्चों आ जाएगा ये एच। ओके, इस तरह से लिखोगे नाउ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 3 प्लस एच होल स्क्वायर, तो 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 3 प्लस 6 प्लस में ये 2 एच प्लस में 7 माइनस 9 माइनस 6 और माइनस का ही 7 ऐड करके भी लिख सकते थे, बट क्योंकि 9 कैंसिल हो रहा है 6 कैंसिल हो रहा है 7 हो रहा है, 7 इससे 6 यहां से 9 यहां से होल अपॉन में बेटा आ जाएगा एच। ओके ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर एच एच जितने टर्म बच रहे हैं सब में एच जरूर आ रहा है, तो एच को आप ले लेंगे कॉमन इस स्टेप से। ठीक, तो एच हमने ले लिया है कॉमन, क्या बचेगा बेटा यहां से एच 6 और 2 8 एच, जो कि एच कॉमन है तो 8 ही बचने वाला है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू है 0, यहां पे आप पुट करोगे सो यू विल गेट 8। इट मींस एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 8 के बराबर आ गई है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक फॉर्मूले बस यही यूज होने वाले और कैलकुलेशन यूज होने वाली है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा ही क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, ज्यादा कुछ टफ भी नहीं है एक्सरसाइज। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक और मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व दिस एंटायर एक्सरसाइज। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करेंगे और इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है बेटा, केवल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेथड मैंने आपको बता दिया, सेम इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों फंक्शन नहीं होते, केवल 7 होता है यहाँ पे, तो 3 प्लस एच की जगह भी 7 आता और इसकी जगह भी 7 आता, 7 माइनस 7 0 बन जाएगा, याद रखना, तो 0 ही उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन की अगर बात करें, इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का दिया हुआ है आपको, इसलिए तो याद रखिएगा उसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है। एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जो दिया हुआ है वो बताऊंगा, उसके बाद में जो के वगैरह फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन ये सब आप खुद से करिएगा, सिंपल है वो बिल्कुल। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे 3 पार्ट दिए हैं जिसमें तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक पार्ट आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। ओके, पहले मैं ये इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 इसी का सेकेंड वाला पार्ट, जिसमें ये बोला गया इफ एफ एक्स इज गिवन बाय साइन 2x। ठीक है, फाइंड करना है बेटा हमें एफ डैश पाई बाई 2। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अगेन फॉर्मूला, सबसे पहले एफ डैश पाई बाई 2 विल बी गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ
पाई बाई टू होल अपॉन बेटा एच। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, मैं फॉर्मूला हर बार नहीं लिखूंगा, एक बार आपको मैंने स्टेप बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ पे पुट करना है आपको एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच। तो साइन टू से पूरा एंगल मल्टीप्लाई होगा, तो टू पाई बाई टू क्या हो गया बेटा, केवल पाई हो जाएगा प्लस टू एच हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ, टू से पूरा एंगल मल्टीप्लाई कीजिए तो टू टू कैंसिल, पाई बचना है और टू इंटू एच टू एच बचना है, माइनस साइन टू इंटू पाई बाई टू यू विल गेट ओनली साइन पाई, ठीक है, अपॉन में होल अपॉन में एच, इस तरह से आ जाएगा करेक्ट। अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 साइन 180 है, 180 प्लस थीटा इट मींस इट इज इन नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई की वजह से नो चेंज और साइन का साइन होता है नेगेटिव, सो माइनस साइन टू एच बन जाएगा यहाँ। सो ये हो गया बेटा माइनस साइन ट्वाइस एच माइनस साइन पाई, साइन पाई बेटा होता है जीरो, आप कैलकुलेट करेंगे ना इसको क्या लिख सकते हो साइन पाई को, आप साइन 90 प्लस 90 इट मींस माइनस सॉरी प्लस कॉस 90, कॉस 90 होता है जीरो, तो ये हो गया है जीरो के बराबर, होल अपॉन बेटा आ जाएगा एच, ठीक। साइन टू एच ओवर एच लिमिट है जीरो, क्या करना होगा एंगल सेम करने होंगे, तो टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए और ये माइनस को कॉमन ले लीजिए पहले, तो माइनस कॉमन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू एच ओवर एच, क्या करने वाले हैं हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो टू से यहां मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो बेटा ये आ गया माइनस टू इंटू वन, क्यों यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, एंगल सेम है, साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में आ रहा है तभी ये वन हुआ है, ठीक, तो माइनस टू आ गया, इसका मतलब इस पार्ट का जो आंसर है वो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, तो बचे हुए जो टर्म है वो भी इसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक। जीरो के ऊपर फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में टेन एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्ट में कॉस एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो बेटा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, ठीक, और अब आपको 13.7 जो है एक्सरसाइज वो कम्प्लीटली सॉल्व करनी है, ठीक है, यही है आपका वर्क। ओके वीडियो देखिएगा समझिएगा, जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइव क्लास होनी है आपको मालूम है, टाइमिंग वगैरह सब पता है, उस पर जरूर पूछा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐड हों उसमें, अभी कुछ बच्चे आ नहीं रहे लाइव क्लास में, तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन किया करो लाइव क्लास को और अपने डाउट्स जरूर पूछा करो, ठीक है, ओके थैंक यू बेटा।